नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने वाला हूँ। ये जो घटना है दो दोस्तों के ऊपर आधारित है, और ये जो दो दोस्त थे बहुत ही शरारती और बहुत ही फनी थे। तो दोस्तों होता क्या है कि इनमें से जो एक दोस्त होता है वो डरपोक होता है, और जो दूसरा होता है बड़ा बहादुर होता है। वो किसी भी चीज़ से डरता नहीं था। तो दोस्तों होता क्या है कि वो एक बार जाते हैं, घर से जाते हैं और पशु चराने के लिए चले जाते हैं। और दिन में क्या होता है कि पशु चराते रहते हैं और हंसी मजाक करते रहते हैं। और दोस्तों और वो जो शरारती दोस्त था उसका, वो क्या करता है कि अपने जो दूसरा दोस्त था डरपोक उसको भी वो साथ ले जाता है। और वहां पर होता क्या कि वो बातों बातों में उसको वो शमशान घाट के ऊपर पहुंचा देता है। क्योंकि दोस्तों जो डरपोक दोस्त था वो बड़ा ही डरता था। तो अब वो जो दूसरा लड़का था जो शरारती वो था, तो जो किसी भी चीज़ से नहीं डरता था, उसको क्या होता है कि उसको वो शमशान घाट के ऊपर ले जाता है। और दोस्तों वो क्या करता है, शमशान घाट के ऊपर जाकर जहाँ पर जलाते हैं और उसके ऊपर वो बैठ जाता है उसकी राख के ऊपर। और वहाँ पर राख को क्या करता है कि सबसे पहले तो उसका टीका लगाता है और उस पर बैठ जाता है। तो दूसरा दोस्त था वो डर जाता है, और दोस्तों वो डर कर भाग घर को भाग आता है। तो दोस्तों होता है क्या कि अगले दिन वो उन्होंने शाम को जाना होता है खेतों की रखवाली के लिए, और दोनों का जो शमशान घाट था वहीं पर ही उन लोगों का खेत थे। और दोनों ही दोस्त जैसे यहाँ से कोई 150 मीटर की दूरी पर दोनों के अपने अपने तन थे जहाँ पर वो रात को सोते थे। तो दोस्तों ऐसे ही दोनों दोस्त डेली रोज रोजाना जाते थे। और होता क्या है कि अब वो रात को अपने 10:30-11 बजे रात को अपने अपने दोनों घर से एक साथ निकलते हैं। और पहले तो जो डरपोक दोस्त था उसके वहाँ पर वो बैठता है जो दूसरे वाला लड़का, दोनों साथ में बैठते हैं, गप्पे मारते हैं। वहाँ से कोई 11 बजे निकलता है वो, और वो फिर वो वहाँ पर अपने तन के ऊपर सो जाता है। और जो दूसरा था वो दोस्तों वो बिल्कुल नज़दीक शमशान घाट के था, साथ में नीचे एक शमशान घाट था, और वो अपने उसके ऊपर तन के ऊपर अटता है और तन के ऊपर बैठता है। तो दोस्तों होता क्या है कि थोड़ी देर के बाद वो भी सो जाता है। अब क्या होता है दोस्तों कि वो सो जाता है तो थोड़ी देर के बाद तो पहले उसको आवाज़ सुनाई देती है, उसको आवाज़ आती है और उसका जो नाम था, उस जो बहादुर था उस लड़के का नाम तरसेम था। तो कोई आवाज़ मारता है, तरसेम तू आ गया। तो तरसेम एकदम उठता है और वो आगे पीछे देखता है कि कौन मुझे आवाज़ मार रहा है। तो दोस्तों वो फिर सो जाता है, जवाब नहीं देता है। और जैसे फिर वो अभी कंबल ओढ़ता है, ये फिर उसको आवाज़ मार देता है, तरसेम तू आ गया। तो अब तरसेम फिर आगे पीछे देखता है और तो फिर वो घबरा जाता है कि कौन आवाज़ मार रहा है। तो दोस्तों अब तरसेम ने किया कि वो बैठ गया, और जैसे बैठा तो अब उसको फिर आवाज़ आती है। तो वो कहता है कि जहाँ पर तू कल राख लगा रहा था तू मेरे ऊपर ही बैठा था। तो दोस्तों होता क्या कि जो जिस शमशान के ऊपर वो बैठा था, तो जिसका शमशान था वही आदमी उसको कह रहा था, वही भूत उसको कह रहा था कि कल तू मेरे ऊपर बैठा था। तो अब वो घबरा जाता है और डर जाता है और पसीने से लथपथ हो जाता है। तो दोस्तों इतना डर गया जाता तो इतना डर गया कि उसको लगा कि, मगर उसको दिखा नहीं। तो फिर उसने किया कि जल्दी से आग जलाई नीचे और बैठ गया। थोड़ी देर के बाद क्या होता है दोस्तों, वो फिर आवाज़ आना बंद हो जाती है और वो चला जाता है। तो और तरसेम सो जाता है, उसने सोचा कि भूत जो है वो तो चला गया।
तो दोस्तों होता क्या कि वो जैसे ही तरसेम फिर वो सो जाता है, और जैसे ही वो सोता है तो क्या होता है थोड़ी देर के बाद उसको जैसे देखते हैं कि वो चारपाई के ऊपर सोया, और थोड़ी देर के बाद वो नीचे गिर जाता है। जैसे ऊपर सोता है, एक बार सोता है और दूसरी बार उसको कोई चीज़ को नीचे गिरा देती है। तो दोस्तों ऐसे वो 3 या 4 बार उसको वो भूत उसको ऊपर से उठाता है और नीचे गिरा देता है। तो अब तरसेम काफ़ी डर गया और डर के मारे वो चिल्लाने लगा। जो दूसरा दोस्त उसका, उसका नाम था अत्तू, तो उसने अत्तू का आवाज़ मारी, अत्तू। तो दोस्तों अब तरसेम तो डरा हुआ था, उसने आवाज़ मारी तो उसने आवाज़ तो नहीं ली, कि अत्तू तो डरपोक था और तरसेम जो था वो बहादुर था, मगर आज भूत का पाला उससे पड़ गया। तो फिर उसने क्या किया कि दोस्तों उसमें थोड़ी देर के बाद जैसे ही सोता था उसको नीचे गिरा देता था। तो अब थोड़ी देर के बाद जैसे वो चारपाई के ऊपर फिर लेट गया, तो फिर वो क्या उसका जो कंबल था वो भी नीचे गिरा दिया उसने, भूत ने। तो दोस्तों लास्ट में तरसेम ने क्या किया कि वो अपना जहाँ से उसे रखवाली करता था खेतों की, वहाँ से उतरा और वो सीधा घर को भाग गया। और घर को भागते भागते घर में पहुंच गया। घर में घर वालों ने पूछा कि भाई क्या हुआ तेरे को, तो उसने कहा कि मैं सोता था रात को तो पहले तो उसने आवाज़ मारी कि तू आया है, और उसके बाद फिर मैं जितनी बार सोता था उतनी बार वो मुझे नीचे गिरा देता था। तो दोस्तों ये जो सच्ची घटना थी, ये आज से 15 साल पहले मेरे रिश्ते में चाचा लगते हैं उनके साथ घटित हुई थी। ये दोनों ही मेरे चाचा हैं, और ये मुझे इन्होंने बताया था कि हमारे साथ ऐसा हुआ था। तो दोस्तों साथ में शमशान घाट था और साथ में ही उनके तन थे जहाँ पर वो सोते थे। दोस्तों मैं जो भी घटना बताता हूँ सच्ची घटना बताता हूँ, क्योंकि मुझे झूठी मूठी बातें बताने का शौक नहीं है। और ये जो किसी के साथ घटित हुआ होता है मैं उसी के बारे में बताता हूँ, और ये लोग भी हैं, आप चाहो तो उनसे बात भी कर सकते हो कि उनके साथ क्या हुआ था। दोस्तों जो लोग काफ़ी वीडियो बनाते हैं ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, दोस्तों मुझे तोड़ और मरोड़ कर बात करने का वो नहीं आता है, बात करना नहीं आता है, मैं सीधी बात करता हूँ, जो भी कहता हूँ वो कर कहता हूँ, किसी को बुरा लगे या कुछ भी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात की जो लोग कमज़ोर दिल वाले हैं वो ऐसी वीडियो को ना देखें, और जो बच्चे हैं वो भी ऐसी वीडियो को ना देखें। दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मकसद किसी को डराना नहीं है, और मैं जो भी, मैं तो आपको उन चीज़ों से अवगत करवाता हूँ जो चीज़ें हमारे हिमाचल के अंदर, ये एक आम बात है, और ऐसा कई लोग यानी कि हर गांव की यही कहानी होती है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ये तो थी दो दोस्तों की कहानी। अब मैं अगली सच्ची घटना के साथ आऊँगा, तो वो घटना जो होगी वो किसी बुजुर्ग के साथ है, उस बुजुर्ग के साथ वो घटना घटित होती है। तो दोस्तों वो बुजुर्ग जब रात के वक्त चला होता है तो पहले तो वो क्या होता है कि काफी अंधेरा होता है। अंधेरा होने के बाद क्या होता है कि जब से जैसे जाता है, तो दोस्तों ये जो कहानियां जो भी घटनाएं घटित होती हैं ये रात को 10, 11, 12 बजे और 1 बजे के या 2:30 बजे के बीच में होती है, सुबह सुबह नहीं होती, क्योंकि सुबह जो होता है हमारा ब्रह्म मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त में जो चीज़ें ये कम होती हैं। दोस्तों तो ये बुजुर्ग जो था उम्र इनकी 80 साल थी, और ये डरते नहीं थे बिल्कुल भी, और अभी भी हैं। तो होता है कि ये खेतों से जा रहे होते हैं, रात का टाइम होता है, और साथ में एक कुत्ता होता है,
तो दोस्तों थोड़ी दूर जाते हैं तो कुत्ता जो था वो भौंकता है, और दोस्तों ये जो